उसके रिपोर्टें जाली नहीं है, उसके रिपोर्ट जो केस है ना वो असल में जाली है। नवाज शरीफ ने 10,500 अरब कर्जा लिया था, ठीक है, 5 साल में उसने आपको मोटरवेज बना के दिए, 12,000 में बिजली बना के दी, इसने 11,000 अरब 2 साल में कर्जा ले लिया है, तो उसने आपके पल्ले डाला क्या है मुझे पर। तो जाली नहीं थी, इन्होंने सारा कुछ खुद चेक किया है, बिल्कुल असली है, इमरान खान ने खुद कहा कि असली है, शौकत खानम वाले ने खुद कहा असली है, करप्शन माफिया को इन्होंने प्रमोट किया है। हम सब ताजर बहुत खुश थे, 3 महीने की जबान की है, 24 महीने हो गया, कुछ भी नहीं सीखा। अयूब खान के बाद अगर सबसे ज्यादा काम 5 सालों में अगर किसी ने किया तो नवाज शरीफ ने किया है। इंशाल्लाह वापस आएंगे, उन्हीं की हुकूमत होगी, इससे तो चलती नहीं रही, नवाज शरीफ आए या ना आए एक ही बराबर है हमारे लिए। तो कहते हैं जब हम आए थे तो पहले से मुल्क डूब चुका था और नवाज शरीफ ने बहुत करप्शन की थी, अब वक्त लगता है पहले से मुल्क डूब चुका था ना, और नवाज शरीफ ने 10,500 अरब कर्जा लिया था, ठीक है, 5 साल में उसने आपको मोटरवेज बना के दिए और आपको 12,000 मेगावाट बिजली बना के दी, ठीक है, इसने 11,000 अरब 2 साल में कर्जा ले लिया है, तो उसने आपके पल्ले डाला क्या है मुझे ये पता है, 2 साल में इसने कुछ करके दिया आपको। हमारी स्टॉक एक्सचेंज जो 54,000 का इंडेक्स था 40,000 पे आ गया उसका, और हमारी जो ग्रोथ है वो गिर गई है, हर चीज़ नीचे आई है, जो जो पहले ऊपर थी ना वो नीचे आई है। इमरान खान का कहना है कि नवाज शरीफ महंगे मुहदे करके गए थे, इस वजह से भी काफ़ी मुश्किल बिल्कुल बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है ये। नवाज शरीफ ने जो मुआहदे किए थे ना, वो नवाज शरीफ ने अपने वक्त में 27,000 मेगावाट बिजली के मुआहदे किए थे 10,500 अरब रुपये में, ठीक है, जिसमें से अपने 5 साल दौर में उसने 12,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल कर दी थी, और उसके जाने के बाद भी 6,000 मेगावाट बिजली और बन के आ गई है इमरान खान की हुकूमत में। आप खुद ही कंपेयर कर लें कि वो महंगे मैदे किए थे ऐसे मैदे, ये तो कारी का कुछ भी नहीं ना था, अब बात तो है ये कुछ करके दिखाए, वो तो भी करके दिखाया। वो तो कहते हैं कि अवाम हमारे साथ, किसके साथ है, ये जितने सर्वे आ रहे हैं उसमें आपने देखा ही है ना, जितने सर्वे आ रहे हैं रिसेंटली, जितने भी सर्वे आए हैं 2-3 आए हैं एक हफ्ते में, सब में सब इसका ग्राफ नीचे ही है नून लीग से, बिल्कुल असली है, इमरान खान ने खुद कहा कि असली है, शौकत खानम वाले ने खुद कहा असली है, ये बस टाइम जाया करने वाली बात है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, पागल बना रहे हैं लोगों को और कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन हुकूमत कहती है कि नवाज शरीफ लोगों को अहमक बना देता है, बिल्कुल कुछ नहीं, उन्होंने खुद भेजा है, खुद उन्होंने कहा, शौकत खानम वालों ने कहा हम खबरें सुनते हैं सारी, उन्होंने खुद का TV पर इतराफ़ किया कि यार सब सही है, झूठ बोलते हैं खुद के, गलत है ये है वो, बिल्कुल सही रिपोर्टें हैं। वापस आएंगे नवाज शरीफ या नहीं? इंशाल्लाह जरूर आ जाएंगे, जरूर आएंगे। हुकूमत का कहना है कि नवाज शरीफ मुजरिम होकर लंदन की सड़कों पर 20 साल नौजवान की तरह फिर रहे हैं, इस बारे में क्या कहते हैं? बिल्कुल, अब डॉक्टर ने अगर लिख के दिया, इसी के डॉक्टर ने कहा है वो किसी डील से गया, इन्होंने की या किसी और ने की है, ये तो खुद कहते हैं इन्होंने भेजा, अब खुद अब बता इसके बेटा, अब पढ़ी लिखी है खुद, आपको ज़्यादा पता हमारे से बातें की है बेटा, कोई भी काम सही नहीं किया उसने अब तक, तो सारी झूठ साबित हो रही है, किसी चीज़ पर बच्चे एक स्कूलों में जाएंगे ये हो जाएगा, बिल फाट दोगे, महंगाई कम करो, कोई सी चीज़ भी अमल दरामद कोई नहीं, सब झूठ फाते, अभी तक कोई बात नहीं, ना उम्मीद है कि पूरी होंगी। जली हैं तो सारी रिपोर्टें किसने तैयार की हैं? गवर्नमेंट खुद ही तैयार की है ना, तो इसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट के ऊपर जाती है, फिर इसकी जो है पकड़ वो फिर गवर्नमेंट के होनी चाहिए ना। वापस आएंगे या नहीं? उनको उसको बिल्कुल आना चाहिए, और उसके ऊपर जो केस है वो असल में जाली है, उसकी रिपोर्टें जाली नहीं, उसके ऊपर जो केस है ना वो असल में जाली है, मतलब उसने पाकिस्तान की तारीख में मुल्क का अगर कुछ किसी ने किया है ना, तो मेरी नज़र में अयूब खान के बाद अगर सबसे ज़्यादा काम 5 सालों में अगर किसी ने किया तो वो नवाज शरीफ ने किए हैं, और सबसे ज़्यादा मुल्क को अगर किसी ने नुकसान पहुँचाया ना 2 सालों में पाकिस्तान की तारीख में, जितना इसने नुकसान पहुँचाया वो इमरान खान ने पहुँचाया। लेकिन अभी इनका वक्त है 3 साल का, तो क्या पता मुल्क वाकई 3 साल से पहले ये चले जाएँ, अगर ये 3 साल और टिक गए तो मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाना, 2 साल में इसने इतना बेड़ा गर्क कर दिया, डॉलर 105 से 168 पे आ गया, और पाकिस्तान की इकानमी जो ग्रोथ रेट था वो माइनस में चली गई है, -0.4 चली गई है जो 5.8 होती थी, तो ये 3 साल अगर और रह गया तो इसने तो बेड़ा कर ही करना है, और तो कुछ नहीं करना है इसने। लेकिन क्या पता वाकई मुल्क बेहतर हो जाए, अगर वाकई मुल्क बेहतर होगा फिर क्या कहेंगे? जिसने 2 साल में कुछ नहीं किया उसने आगे 3 साल में क्या कर लेना है, ये 22 साल इसने जदोजहद की है, तो हम तो इसने हैरान है कि इसने 22 साल किया क्या है, ये असल में प्रोफेशनली जो है ना क्रिकेटर था, ये प्रोफेशनली एक सियासतदान है ही नहीं था, ये इसकी इतनी कैलिबर ही नहीं है कि वो जो है ना मुल्क चला सके। असम हुकूमत कहती है कि नवाज शरीफ की जो रिपोर्ट थी वो जाली है, क्या कहते हैं इस पर? रिपोर्ट जाली है, उन्होंने इतना काम किया, सब कुछ उन्होंने बनाया, इतनी मेहनत की है, कारोबार भी अच्छा था,
सारे सिस्टम सही जा रहे थे, जबकि ये मराना की हुकूमत आई है इतने नुकसान हो रहे हैं, हर बंदा परेशान है, सेलमैनों की तनख्वाहें नहीं पूरी हो रही, इधर कारोबार में हमारे जो किराए हम दे रहे हैं वो पूरे नहीं हो रहे, बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है इस हुकूमत में, तो उसकी वजह से तो सारा मसला खराब है। नवाज शरीफ के बारे में आप क्या कहते हैं, क्या वाकई उनकी मेडिकल रिपोर्ट जाली थी या कोई वैसे ही कहा जा रहा है? नहीं, रिपोर्ट तो जाली नहीं थी, उन्होंने सारा कुछ खुद चेक किया है, 10 मिनट राशि तक उन्होंने भी चेक किया, सब ने कहा जी ये रिपोर्टें ठीक हैं, तो इसलिए हम इनको बाहर जाने दे रहे हैं, तो वो चले गए बाहर। तो वज़ीर आज़म के मामा ने हसूसी का कहना है कि डॉक्टर को गलती लग सकती है, जो ममान में खसूसी हैं वो तो ये सारे मराना के ग्रुप में है ना, तो उन्होंने मराना के बारे में बात करनी है कि ये ही सही है, ये ही सारा कुछ मामला, जो इसमें बैठे हुए हैं सारे पीछे से चोर चक्कों से आए हुए हैं, कोई पीपल पार्टी का, कोई काफ लीग का, कोई दूसरा तीसरा, सब इकट्ठे करके उन्होंने हुकूमत बनाई हुई है, तो जो नवाज शरीफ की हुकूमत थी हम सब ताजर बहुत खुश थे, अब जब कि इसकी हुकूमत हम सारे परेशान बैठे हुए हैं। ये सारे नवाज शरीफ वापस आएंगे या नहीं? आएंगे वापस, उसके साथ जो कबीना है वो चोर है, सारी चोरों में से रल के आई हुई आगे। नहीं वो जो अगर चोर ना होते तो फिर ये मुल्क का हाल ही होता, जो मुल्क का हाल किया उन्होंने, इसलिए हुकूमत से ज्यादा खुश थे या आम हुकूमत? जहांगीर तरीन के खिलाफ कितनी चोरियां बरामद हो रही हैं, कोई उसके खिलाफ कुछ नहीं कर रहा, और इसी कबीना में जितने बंदे हैं 3-4 जो तो ओपन हो गए हैं, उनके खिलाफ कितनी चोरियां हो रही हैं सामने, तो उनको उन्होंने दबा दिया, ये तो बात नहीं ना अपने बंदों की, उन्हें दसी सारी रिटेल के गन्ना पिछू महंगा आया इसे तो यहाँ रेट बढ़िया गल नहीं समझ, महंगा आई तो 70 साल तो पी होंगी हूं तो नहीं हुई है ना, वेखो छोटे होंगे चोरी कर कर के लंदन चला गया, अपनी इतने आके मुकाबला करता सारा सब दसदा, तुम महंगाई देखो महंगाई, पेट्रोल कितना महंगा हो गया, चीनी दालें, अब ये गोश्त लेने 1300 रुपए किलो गोश्त उन्होंने दिया, तो कौन खाएगा? अब ईद में देखें जो जानवर लोगों ने लिए हैं, लोगों ने इतने गंदे जानवर जो कुर्बानी के लायक भी नहीं वो भी बिक गए हैं, महंगाई की वजह से लोगों को कुछ मिल नहीं रहा, इतनी ज्यादा पिछले हर करप्शन भी तो बहुत, करप्शन तो है वो तो उस दौर में भी होगी और इसमें भी है, मगर खुशहाली थी उसमें, इसमें अब 4 महीने लॉकडाउन लोगों का जो है ना वो तो बहुत ज्यादा परेशानी में हर चीज़ में, पता कि जो मगर हम खुश नहीं है, ताजर बरादरी जो हम है ना हम नहीं खुश इसके दौर में, हमें बहुत ज्यादा लॉस हुए हैं, वो कहते हैं अभी 2 साल हुए हैं 3 साल हैं सब बेहतर हो जाएगा, 2 साल उन्होंने तो कहा था 90 दिन में मैं सब कुछ सही कर दूंगा, वो तो 90 दिन में, तो ये 90 दिन तो 3 महीने बनते हैं, अब 2 साल 24 महीने हो गए हैं। कौन बेवकूफ़ बना रहा है, नवाज शरीफ की हुकूमत या इमरान खान? इमरान खान भी बेवकूफ़ बना रहा है, हुकूमत भी बना रही है और नवाज शरीफ भी बना रहा है, नून लीग भी बना रही है, पीटीआई भी बना रही है। तो अगर रिपोर्ट्स जाली हैं तो इसमें किसकी गलती है? यकीनन गवर्नमेंट की गलती है, जिस जो अदारे हैं उनकी गलती है, नवाज शरीफ की तो है ही है इसमें। तो नवाज शरीफ का वापस आ जाना चाहिए या नहीं, क्या कहते हैं? नवाज शरीफ वापस आ भी जाएगा तो क्या होगा, ना तो उसको सज़ा मिलेगी किसी जो उन्होंने काम किए हैं, और ना फिर हुकूमत इस सज़ा पर अमल करवा सकती है, तो नवाज शरीफ आए या ना आए एक ही बराबर है हमारे लिए। तो हुकूमत का कहना है कि एक मुजरिम लंदन की सड़कों पर फिर रहा है, इस बारे में क्या कहते हैं? ये तो एक इन्होंने खुद भेजा ना, तो अगर वो फिर रहा है लंदन में फिरे या अमेरिका में फिरे तो वो एक ही बात है। एहसन इकबाल का कहना है कि अगर वाकई रिपोर्ट जानी है तो फिर वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा देना चाहिए, इस बारे में क्या कहते हैं? इस्तीफे की और बहुत सारी वजूहत बनती हैं जिनकी बिना पर बनना चाहिए वजीफा इस्तीफ़ा सॉरी, क्योंकि इन्होंने दावा किया कि हम रियासत मदीना बनाएंगे, ठीक है, तो उसके ऊपर पूरा नहीं उतरे ये, ठीक है। दूसरा ये जिन्होंने इन्होंने तब्दीली का जो वादा किया था उसके ऊपर क्या पूरा उतरे हैं, उसके ऊपर भी इस्तीफ़ा बनता है। जाली तो रिपोर्ट है, एहसन इकबाल कहते हैं ये खुद इस्तीफ़ा दे दे एहसन इकबाल, या इसकी टीम पूरी की पूरी इस्तीफ़ा दे दे, या इसकी पार्टी दे दे इस्तीफ़ा, ठीक है। जब ये बशर्म लोग हैं सब एक जैसे ही हैं, लेकिन इस हुकूमत को भी सिर्फ 2 साल हुए हैं और अभी 3 साल हैं, आप देखना चाहते हैं कि क्या पता वाकई तब्दीली आ जाए? वोट मैंने पीटीआई को दिया है लेकिन तब्दीली नहीं आएगी, क्यों लगता है आपको? नज़र आ रहा है, हालात देख रहे हैं, ताजर परेशान है, बिजनेस है कोई नहीं पाकिस्तान में, चीनी का बहरान, आटे का बहरान, हर किस्म के करप्शन माफिया को इन्होंने प्रमोट किया है, तो कैसे ये तब्दीली लाएंगे? हुकूमत के मुताबिक जब उन्होंने इख्तदार संभाला था तो मुल्क पहले ही हसाड़े में था, अब उसको बेहतर करने में वक्त लगता है? यकीनन बेहतर लगता है लेकिन कुछ बेहतर होना चाहिए, 2 साल के अंदर उन्होंने किया क्या है, क्या ये आइंदा बेहतर कर सकते हैं, ये इनको तवक्का है कि करेंगे? क्या आवाम देख रहे हैं कि ये मुल्क बेहतर होगा? नहीं होगा, कभी भी नहीं हो सकता, इनसे नहीं होगा, ये नहीं इनके बाद वालों से भी नहीं होगा। अगली दफ़ा आप किसको वोट देना चाहेंगे? ये 3 साल बाद देखेंगे जब इलेक्शन होगी, अभी तो नहीं।
वालेकुम सलाम। हुकूमत कहती है कि नवाज शरीफ की जो रिपोर्ट्स थी वो जाली हैं, इस बारे में क्या कहते हैं? पहले सोए हुए थे, पहले भी तो उनको जागना चाहिए था ना, जाली कैसे हो गई हैं? पहले ये सोए रहते हैं, बाद में कोई जाग आती है, उनका बेड़ा गर्क कर दिया, सिर्फ नवाज शरीफ के पीछे लग जाते हैं। और भी पालसियाँ बहुत हैं, खाली नवाज शरीफ रह गए। आपको क्या लगता है, रिपोर्ट जाली हो सकती है, सिर्फ कोई और जान में अंदर की बात का तो नहीं ना पता नहीं जाली है कि सही है। इनको पहले चाहिए था ना चेक करना, यासमीन राशिद भी जो थी ना उसको भी चाहिए था, पहले चेक कर लेते हैं, चेक किए कि थी नहीं है। आपको क्या लगता है नवाज शरीफ वाकई बीमार है या नहीं? है तो बीमार, ये तो सबको ही पता है बीमार है, अंदर का नहीं पता कितना बीमार है। लेकिन अब हुकूमत कहती है कि उनको एक इंजेक्शन भी नहीं लगवाया उन्होंने जाके, सर्जरी तो दूर की बात है। उन्होंने पास बैठे हुए थे, उनको पास तो नहीं ना बैठे हुए थे, वो था लगते ही हों ना लगते हों, ये सब झूठ ही है, सही नहीं है कोई भी है। नवाज शरीफ वापस आएंगे या नहीं? इंशाल्लाह वापस आएंगे, उन्होंने उन्हीं की हुकूमत होगी, इससे तो चल ही नहीं रही, बेड़ा गर्क कर दिया कारोबारों का, हमारा सारा दिन फर्क बैठ के चल जाते हैं दुकानदार, इतना जुलम हो रहा है दुकानदारों के साथ, लॉकडाउन में भी बहुत जुलम हुआ है। हुकूमत कहती है कि अपोजिशन को सिर्फ NRO चाहिए, इस बारे में क्या कहते हैं? NRO दे नहीं सकते, इन्होंने क्या देना है, इनके पास हथियारा थी कोई नहीं NRO देने के, किस चीज़ किस बेस पर NRO देना, कौन मांग रहा है इनसे, कोई भी नहीं मांग रहा। हुकूमत ये भी कहती है कि एक मुजरिम लंदन की सड़कों पर फिर रहा है, इस बारे में क्या कहते हैं? इन्होंने जाने क्यों दिया, ये तो उनका अपना कसूर है, इन्होंने क्यों जाने दिया मुजरिम, क्यों जाने दिए? तो अब उनका कहना था कि हमने हमदर्दी से भेजा है कि उनकी तबीयत खराब है, तो इसकी हमदर्दी सिर्फ इनके पास ही रह गई है, ये तो किसी को पानी भी नहीं देते, हमदर्दी करनी है।